जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो का टाइटल और थंबनेल में भी आप लोग देख ही लिए होंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपके पास अपना डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड नहीं है तो आप लोग बिना एटीएम और बिना डेबिट कार्ड के अपने फोन पे अकाउंट को कैसे बना के चला पाएंगे। ये दोस्तों अभी बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि दोस्तों आप लोग बिना डेबिट और बिना एटीएम कार्ड के भी फोन पे अकाउंट को बना के चला पाएंगे। बस दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक वॉच कर लेना है। इतना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग बहुत आसानी से बिना डेबिट बिना एटीएम कार्ड के फोन पे को बना के कंप्लीट आप लोग उसका यूज कर पाएंगे। बस आपका आधार कार्ड का यूज होने वाला है, तो आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक वॉच करना है, आप लोग बहुत आसानी से बना के चला पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, देन गाइस आपको लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ यहाँ पे करके दिखाता हूँ। बस आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों आप लोग इस तरह से अपने फोन पे एप्लीकेशन में पहले से लॉग इन हो गए हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, देन गाइस आपको अपने बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आप लोग बैंक ऐड कर दिए तो आपको सिंपली अपने बैंक पे क्लिक करके आपको नीचे आना है, देन गाइस आपके सामने पे नीचे आपके सामने यहाँ पे अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन देगा, आपको अनलिंक बैंक अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए अनलिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको अनलिंक पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका बैंक यहाँ पे अनलिंक हो जाएगा। बैंक अनलिंक होने के बाद दोस्तों आपको इसे पूरा बैक आना है। पूरा बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले एक काम और करना है। सबसे पहले काम दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है कि आपका फोन पे एप्लीकेशन कहाँ है। अब दोस्तों आपको फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन पे 2 या 3 सेकंड तक टैप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सामने यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन का देखेगा, आपको ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। देन गाइस आपके सामने पे डायरेक्टली अनइंस्टॉल का ऑप्शन देगा, देखेगा आपको डायरेक्टली अनइंस्टॉल पे क्लिक करके आपको ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको फोन पे एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन से यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को डिलीट मैं इसलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे RBI या स्टेट फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तभी दोस्तों आप लोग बिना ATM कार्ड के बना पाएंगे, यानी कि तभी आप लोग अपने आधार कार्ड का यूज कर पाएंगे, नहीं तो आप में सिर्फ ATM कार्ड का ही ऑप्शन आएगा और आप लोग नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन को डिलीट करना है। डिलीट करने का दोस्तों आपको यहाँ पे RBI रजिस्टर्ड फोन पे एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। अब दोस्तों RBI रजिस्टर्ड फोन पे आपको कैसे मिलेगा, दोस्तों आपको RBI रजिस्टर्ड फोन पे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ सिर्फ आपको वैसे ही करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे RBI रजिस्टर्ड फोन पे कैसे मिलेगा, दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए, अभी आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से अभी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इस प्रकार से अभी आप लोग मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं। जो मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं मैं सिर्फ उसी वीडियो को बात कर रहा हूँ जो वीडियो अभी आप लोग अपने मोबाइल में मेरा देख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, देन गाइस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतना करने को दोस्तों आपके सामने पे लिखा रहेगा बिना ATM कार्ड के फोन पे अकाउंट कैसे बनाए, या फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा रहेगा फोन पे अकाउंट बिना ATM कार्ड कैसे बनाए। तो यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा आपको डायरेक्टली यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है, देन गाइस आपके सामने यहाँ पे RBI स्टेट फोन पे का लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होकर यहाँ पे RBI स्टेट फोन पे एप्लीकेशन के पास पहुंच जाएंगे। आपको डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके यहाँ से अपने फोन पे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए मेरा फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, इसी प्रकार से आपको भी फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे चलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, आपको भी थोड़ा सा वेट करना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देखिए मेरा फोन पे एप्लीकेशन कंप्लीट यहाँ पे डाउनलोड हो गया, आपको भी कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखा देगा। आपको डायरेक्टली यहाँ से वैक आना है, वैक आने के बाद दोस्तों आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करना है। फोन पे को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपको मोबाइल नंबर रहेगा आपको यहाँ पे एंटर करना डालना है। यहाँ पे देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, आपको भी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पर डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके नंबर पर एक OTP आएगा, देन गाइस आपको OTP आके इसमें ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए मेरा OTP आके वेरीफाई हो गया है। अब दोस्तों आपको पे सभी परमिशन को अलाउ करना है, अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे जितने भी परमिशन पूछेगा आपको सबको आपको अलाउ करना है। देन गाइस अब आपके सामने पर डायरेक्टली आपको बैंक ऐड करने का ऑप्शन आएगा, बट आपको बैंक वगैरह नहीं ऐड करना है, आपको यहाँ पे ऊपर कट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सभी परमिशन को आपको अलाउ करना है, देन गाइस आप लोग अपने फोन पे एप्लीकेशन में लॉग इन हो जाएंगे। अब लॉग इन होने के बाद आपके सामने यहाँ पे दिखाएगा ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन, आपको डायरेक्टली ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। देन गाइस आपके सामने पे बहुत सारे बैंक आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपना बैंक ऐड करना है, जो भी आपको बैंक रहेगा आपको अपना बैंक ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर आपका बैंक दिखा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिखा रहा है तो आप लोग यहाँ पे ऊपर अपने बैंक का नाम सर्च करिएगा, आपका बैंक आ जाएगा। आपको डायरेक्टली अपने बैंक पे क्लिक करना है, आपका बैंक ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं अपने बैंक पे क्लिक करूँगा, देन गाइस यहाँ पे मेरा बैंक यहाँ पे ऐड हो जाए हो रहा है। यहाँ पे फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे लिख रहा है, देन गाइस यहाँ पे अकाउंट एडेड लिखा गया, आपका बैंक भी ऐड हो जाएगा। देन गाइस आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे सेट UPI पिन का, हमारे में दिखा रहा है रीसेट पिन, बट दोस्तों आप यहाँ पे सेट UPI पिन दिखाएगा। अब दोस्तों आप में सेट UPI पिन इसलिए दिखाएगा क्योंकि दोस्तों आप लोग फोन पे एप्लीकेशन को पहली बार बना रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारे में रीसेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं पहले भी फोन पे एप्लीकेशन को बना के यूज कर चुका हूँ। तो आपको सेट UPI पिन पे क्लिक करना है, हम यहाँ पे रीसेट पिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एक नया पेज आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है
वेरीफाई यहाँ पे डेबिट कार्ड डिटेल्स और यहाँ पे एंटर द लास्ट सिक्रेट अपलोड कार्ड नंबर और यहाँ पे एक्सपायर डेट। अब दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड का एटीएम कार्ड का डिटेल मांग रहा है, बट आपको यहाँ पे कोई भी डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड का डिटेल नहीं देना है आपको। डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना आपको, आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा यहाँ पे एथिकेटिंग यूजिंग आधार नंबर का आपका ऑप्शन, आपको डायरेक्टली यहाँ पे एथिकेटिंग यूजिंग आधार नंबर पर क्लिक करना है। देन कैसे आपके सामने पे आपका आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे नीचे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लगा, देन कैसे आपके सामने एक नया पेज आएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर और यहाँ पे इंटर द फर्स्ट सीडेट आपका आधार नंबर। दोस्तों आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का शुरुआत वाला छह नंबर डालना, डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ करना है, देन कैसे आपके सामने पे लोडिंग लगा, देन कैसे लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे एक नया पेज आएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे एक ओटीपी आएगा यहाँ पे आपके बैंक की तरफ से और एक ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड की तरफ से। यहाँ पे देखिए मेरे बैंक वाला यहाँ पे आधार कार्ड वाला ओटीपी आपके वेरीफाई हो गया है। हम यहाँ पे टिक वाले क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए मेरे बैंक वाला ओटीपी भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पे हम फिर से भी टिक वाले क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका ओटीपी वेरीफाई नहीं हो रहा तो आप लोग ऊपर से देख के अपना ओटीपी डाल भी सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा रहा है सेट फोर डेट यूपीआई पिन, तो यहाँ पे दोस्तों हम अपना चार अंक का अपना यूपीआई पिन यहाँ पे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे टिक वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहेगा कंफर्म फोर डेट यूपीआई पिन, तो यहाँ पे मैं फिर से अपने यूपीआई पिन यहाँ पे कंफर्म करूंगा, आपको भी कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर से टिक वाले पिन करना है। लेकिन दोस्तों आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पिन आप अभी आप लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं इसी पिन के साथ आप लोग सब कुछ कर पाएंगे, अपने बैंक का पैसा चेक कर पाएंगे, बैंक मतलब किसी के पास पैसा सेंड कर पाएंगे और यहाँ पे आप लोग किसी का मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब कुछ यहाँ पे कर पाएंगे। बार बार एक आपका ए पिन लगेगा, तो आप देन गाइस आपको फिर से यहाँ पर टिक वाले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे लैपटॉप के साथ देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए मेरा यूपीआई पिन यहाँ पे सेट हो गया, आपका यूपीआई पिन भी सेट हो जाएगा। अब सेट होने के बाद दोस्तों आपको बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों आपको पूरा बैक आना है। देन गाइस आपका फोन पे एप्लीकेशन सिर्फ आपके आधार कार्ड से बन गया, आप लोग यहाँ पे सब कुछ कर पाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट आप लोग यूज कर पाएंगे। आपका बिना एटीएम कार्ड बन चुका है, आपको कोई भी एटीएम कार्ड कोई भी डेबिट कार्ड नहीं लगा है। अब आप लोग यहाँ पे सब कुछ कर पाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कुछ चीज बता भी देता हूँ आप लोग कैसे कर पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट करने का प्रोसेस मैं बता देता हूँ आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे स्कैन वाले फिल करके आप लोग यहाँ पे किसी का क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करके आप लोग किसी के पास पेमेंट कर पाएंगे बहुत आसानी से आप क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करके। देन गाइस उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए आप लोग टू मोबाइल नंबर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे किसी का मोबाइल नंबर डाल के या फिर दोस्तों आप लोग किसी का नंबर सेव किए हैं तो डायरेक्टली उसका नंबर यहाँ पे मतलब आपको उसका नाम जिस नाम से आप लोग सेव किए हैं उसका नाम डाल के आप लोग किसी के पास पेमेंट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पेमेंट भी करके दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सुल्तान पर क्लिक करूँगा, सुल्तान के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आऊँगा। देन आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एंटर अमाउंट और चैट पे क्लिक करूंगा। देन कैसे यहाँ पे मैं एक रुपया पे लिखूंगा, लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा। देन कैसे यहाँ पे मेरा जो भी यूपीआई पिन है मैं उस यूपीआई पिन को यहाँ पे एंटर करूंगा, डालूंगा। यूपीआई पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे टिक वाले पे फिर से क्लिक करूंगा। देन कैसे आप लोग यहाँ पे देखिए मेरा पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा, तुरंत ही एक रुपया पे पेमेंट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए सही टिक लग गया है, देन कैसे पेमेंट हो गया है। अब पेमेंट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से पेमेंट भी कर पाएंगे और आपको ऐसे वैक आना है, वैक आने का दोस्तों आपको पूरा वैक आना है। देन कैसे आप लोग यहाँ पे चेक बैलेंस पे क्लिक करके आप लोग अपने बैंक पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन आप लोग यहाँ पे एंटर करके जो भी आपका यूपीआई पिन रहेगा आप लोग उसको यहाँ पे डाल के अपने बैंक का पैसा वगैरह भी चेक कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए मेरा काम नहीं कर रहा ठीक से। आप लोग यहाँ पे ठीक वाले क्लिक करके अपने बैंक का पैसा वगैरह भी देख पाएंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए मेरे बैंक का पैसा वगैरह भी यहाँ पे दिखा देगा, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, बस यहाँ पे मेरा नेटवर्क ठीक से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। देखिए मेरे बैंक का पैसा दिखा रहा है, देन कैसे आपको यहाँ बैक आना है और आप लोग यहाँ पे सब कुछ कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पे मतलब आप लोग जिस मोबाइल नंबर से अपने फोन पे बनाए हैं आप लोग इस मोबाइल नंबर को किसी को देके अपने बैंक में पैसा भी रिसीव करवा पाएंगे और आप लोग यहाँ पे ऊपर अपने प्रोफाइल पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे यूपीआई आईडी यहाँ पे क्यूआर कोड वाला ऑप्शन है आप लोग इस पे क्लिक करके आप लोग इस वाले क्यूआर कोड को भी देखे अपने बैंक में पैसा मंगवा पाएंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से बहुत आसानी से बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट को बना के चला पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।